भारत का घरेलू क्रिकेट कैलेंडर एक बार फिर कोरोना महामारी के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। बीसीसीआई ने देश में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण रणजी ट्रॉफी और कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी समेत कई बड़े टूर्नामेंट स्थगित करने का फैसला किया। इन बड़े टूर्नामेंट के बाद अब दुनिया की सबसे अमीर T20 क्रिकेट लीग IPL के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। अगर कोरोना के मामले इसी तरह लगातार बढ़ते रहे तो इस साल भी IPL भारत के बाहर ही करवाना पड़ेगा। IPL 2020 सीजन कोरोना के कारण UAE में आयोजित करवाया गया। इसके बाद IPL 2021 सीजन का पहला हाफ भारत में और दूसरा हाफ UAE में खेला गया। BCCI सचिव जय शाह ने कहा कि BCCI अपने खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और मैच अधिकारियों के स्वास्थ्य को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि लगातार दूसरे साल ये टूर्नामेंट टलने की संभावना लग रही है।